नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं भजनलाल सरकार की गुड गवर्नेंस की। राज्य के बजट को सर्वतोमुखी यानी कि सभी के लिए उपयुक्त बनवाने के लिए कवायद में जुटे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट पूर्व संवाद किया और अभी भी ये संवाद लगातार अलग अलग जनों से, अलग अलग समाज के लोगों से, प्रबुद्धजनों से जारी है, जिससे इस चीज की समझ हो पाए कि जनता को इस बार के बजट में आखिर चाहिए क्या। और इसीलिए बजट पूर्व संवाद के जरिए वो सुझाव दे रहे हैं। आज प्रदेश के आगामी वित्त वर्ष के बजट के संबंध में बैठक भी फिर से की। उद्योग और सेवा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद भी सीएम भजनलाल शर्मा ने किया। ऐसे में औद्योगिक विकास को समर्पित कई अहम विषय ऐसे रहे जिन पर इस बजट पूर्व संवाद के दौरान चर्चा हुई, यानी कि विकास को लेकर और खासतौर पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर समर्पित डेडिकेटेड ये कई ऐसे सब्जेक्ट जिस पर विस्तार से चर्चा हुई। सीएम भजनलाल शर्मा ने समर्थ राजस्थान, विकसित राजस्थान का जो संकल्प पहले से वो कहते आ रहे हैं, इस संकल्प को आज फिर से दोहराया। इनकी बजट में जो चीजें शामिल की जानी चाहिए वो सर्वतोमुखी यानी कि इस प्रकार से होनी चाहिए जिससे राजस्थान विकसित हो और राजस्थान समर्थ हो। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी सीएम भजनलाल शर्मा ने दिए। कहा कि आपणों अग्रणी राजस्थान का संकल्प हम सभी को लेना है। अधिकारियों को तो इसके लिए कार्य करना ही है, लेकिन जनता से भी यही उनकी जो जरूरतें हैं उनको जानने के लिए सुझाव एक तरीके से अगर जनता के जरिए पहुंचे, लोगों के जरिए पहुंचे या समाज के प्रतिनिधियों के जरिए पहुंचे तो संकल्प को पूरा करने में आसानी होगी। संकल्प अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में उद्योगों का विस्तार या फिर बेरोजगारों को रोजगार देने के बाद जो कि मैनिफेस्टो में भी शामिल थी, और बजट क्योंकि पूर्ण बजट है तो इस बार इस चीज पर भी सभी की निगाहें कि रोजगार की किस तरह से अवसर खोलती है राजस्थान की सरकार और इसी बात की प्रतिबद्धता से हर स्तर पर निरंतर क्रियाशील सरकार है। आपको बताया कि इस बैठक में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सहित दूसरे मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे और खासा फोकस इस चीज पर रहा क्योंकि राजस्थान में कहा जाता है कि अवसरों की कमी नहीं है। अगर राजस्थान में विकास और ज्यादा होता है, औद्योगिक विकास के जरिए और ज्यादा ऑप्शंस होते हैं तो फिर आने वाले समय में भले ही वो रेवेन्यू की बात हो या फिर बात हो लोगों के पास रोजगार पहुंचने की या फिर बात हो फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की, राजस्थान उन राज्यों में शुमार है जिसके पास हर भौतिक स्थिति से जुड़े हुए कई सारे परिवर्तनों से जुड़े हुए चांसेस हैं, अवसर हैं और उन्हीं सभी अवसरों पर, उन्हीं सभी सुझावों पर आज एक बार फिर से सीएम भजनलाल शर्मा ने बजट पूर्व संवाद किया। तो वहीं दिल्ली के मुख्य सचिव को एनडीएमसी चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार मुख्य सचिव नरेश कुमार को प्रभार सौंपा गया। एनडीएमसी चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। कार्यभार संभालने की तिथि से 2 महीने तक अतिरिक्त प्रभार वो संभालेंगे। ऐसे में अमित यादव के ट्रांसफर के बाद हाल ही में जो एनडीएमसी चेयरमैन का पद खाली हुआ वो अब उनके नाम के सामने आने के बाद पूर्ण हो चुका है। अब वो खाली नहीं है क्योंकि अमित यादव को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में ओएसडी बना दिया गया है और उनके बाद में जो रिक्त स्थान था इस सीट पर उसे नरेश कुमार को मुख्य सचिव अतिरिक्त प्रभार के तौर पर सौंपा गया है। एक बार फिर से आपको बता दें दिल्ली के मुख्य सचिव को एनडीएमसी चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, कि जो एक दूसरा प्रभार है, एक अतिरिक्त प्रभार है ये उनके पास होगा। मुख्य सचिव है नरेश कुमार जिन्हें एनडीएमसी चेयरमैन का भी अतिरिक्त प्रभार यानी कि ये भी उन्हें संभालना है। कार्यभार संभालने की तिथि से 2 महीने तक अतिरिक्त प्रभार को संभालेंगे। फिलहाल 2 महीने का टेन्योर इस चीज के लिए है। अमित यादव इनसे पहले इस पद पर कार्यरत थे लेकिन उनके ट्रांसफर के बाद में हाल ही में जो एनडीएमसी चेयरमैन का पद खाली हुआ उसे अब नई जिम्मेदारी के तौर पर, अतिरिक्त प्रभार के तौर पर उन्हें सौंपा गया है। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर शुरू करते हैं न्यूज ब्लास्ट का। चलिए बात कर लेते हैं केंद्र की। केंद्र में सचिव स्तर पर जल्द फेरबदल की संभावना है, कैसे वो आपको समझाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश को उचित प्रतिनिधित्व मिल सकता है क्योंकि जानकार सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार 3.0 इस सप्ताह या फिर अगले सप्ताह सचिव स्तर पर फेरबदल की तैयारी में है। ऐसे में 6 से अधिक सचिव और सचिव समकक्ष स्तर के 2 पदों पर नए सिरे से भर्ती हो सकती है। इसमें यूपी कैडर के आईएएस शशि प्रकाश गोयल, देवेश चतुर्वेदी की नियुक्ति की संभावनाएं प्रबल है। ये 2 नाम जिनकी नियुक्ति की संभावनाएं ज्यादा यानी कि इनके नामों पर चर्चा ज्यादा चल रही है। यूपी कैडर के 2 अफसर हैं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए एनओसी भी प्राप्त कर चुके हैं और अभी एसीएस सीएमओ के पद पर ये वर्तमान में कार्यरत है। आईएएस शशि प्रकाश गोयल जबकि जो देवेश चतुर्वेदी दूसरे नाम है वो अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्ति और कार्मिक के पद पर फिलहाल तैनात है।
लेकिन सूत्रों की माने तो चतुर्वेदी को अगला डीओपीटी सचिव बनाया जा सकता है, तो वहीं एसपी गोयल को नियुक्त किया जा सकता है रायसेना में, जो कि खुद भी अपने आप में एक अहम पद होगा। तो राजस्थान में अवैध खनन के खिलाफ भजनलाल सरकार सख्त है, क्योंकि लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति भी सरकार अपना रही है और अवैध खनन, निर्गमन, भंडारण के खिलाफ राज्यव्यापी संयुक्त अभियान भी चलाया जा रहा है। जड़ से खात्मा इसके करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में खान सचिव आनंदी और निदेशक भगवती प्रसाद कलाल के निर्देश पर अभियान और इस व्यापक अभियान के तहत कार्रवाई कल कुल 32 प्रकरण बनाए गए। अवैध बजरी खनन का एक प्रकरण, अवैध निर्गमन के 24, अवैध भंडारण के 7 प्रकरण और 5 FIR इसमें दर्ज की गई और मात्र एक दिन 798.20 मीटर रिटर्न बजरी भी जब्त की गई। यानी कि आप समझ सकते हैं कि सुहा से काम और कितनी तेजी से किस दिशा में हो रहा है, जिस वजह से 798.20 मीटर रिटर्न बजरी को जब्त किया गया, जो कि अवैध खनन के लिए खोद दी गई थी और ले जाने के लिए तैयार थी। अन्य खनिजों के अवैध खनन प्रकरण के लिए 6, अवैध निर्गमन के लिए 50 प्रकरण, तो वहीं अवैध भंडारण के 8 प्रकरण नए तैयार किए गए। कुल 64 प्रकरण इसके लिए 6 FIR दर्ज की गई और कल 1848.4 मैट्रिक टन खनिज जब्त किया गया। 47 वाहनों को जब्त किया, मशीनें जब्त कर ली गई और खनिज विभाग लगातार इसकी कोशिश में जुटा हुआ है और इस चीज के लिए प्रतिबद्ध है। देश के सबसे बड़े SMS अस्पताल की फिर बदलाव की बयार यहां पर बह रही है। दरअसल 4 माह के भीतर प्रशासनिक कामकाज में तीसरी बार फेरबदल हुआ है। अस्पताल में कार्यरत 22 अतिरिक्त अधीक्षक, उप अधीक्षक और अतिरिक्त प्रशासनिक नियंत्रण अधिकारियों के कार्य आवंटन में बदलाव हुआ है। कार्यवाहक अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी ने इस पर विस्तृत आदेश भी दे दिए हैं। इस फेरबदल से अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर सतीश वर्मा का जिम्मा अब से बढ़ गया है और अस्पताल में सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय अध्यक्ष के साथ ही रसोई कैंटीन का जिम्मा भी अब उन्हें सौंपा गया है। इसके अलावा अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर NS चौहान को स्टेशनरी स्टोर, कैंपस मैनेजमेंट, मुख्य भवन भूतल और कॉटेज की व्यवस्थाओं का नोडल अतिरिक्त अधीक्षक बनाया गया है। डॉक्टर रश्मि कटारिया को PWD, नर्सिंग, बांगड़ परिसर अतिरिक्त अधीक्षक, डॉक्टर मोहनीश ग्रोवर IT सेल, IHTM डेटा सेंटर चरण भवन अतिरिक्त अधीक्षक, डॉक्टर गिरधर गोयल को अस्पताल के जर्नल सेक्शन, अंग प्रत्यारोपण कोऑर्डिनेटर, लॉन्ड्री और वस्त्र भंडारण शाखा का भी जिम्मा सौंपा गया है। तो चलिए अब आपको बता देते हैं प्रदेश के बांधों को लेकर WRG की ताजा रिपोर्ट क्या कहती है। WRG ने 19 जून तक बांधों में वर्तमान जलस्तर की रिपोर्ट जारी कर दी है और ऐसे में प्रदेश के 22 बड़े बांधों में कुल भराव की क्षमता का 45.61% पानी समय है। 4.25 MQM से अधिक क्षमता के 261 बांध ऐसे हैं जहां 11.54% पानी है। 4.25 MQM से कम क्षमता के 408 बांधों में मात्र 4.23% पानी है। ऐसे में प्रदेश के सभी बांधों को मिलाकर कुल भराव क्षमता का 32.48% पानी है। पिछले साल 19 जून को कुल भराव क्षमता का 46.95% पानी था। पिछले साल से इस बार बांधों की कुल भराव क्षमता 14.47% की कमी के साथ मॉनसून के इंतजार को और आगे बढ़ा रही है, लेकिन जो इंतजार है वो आगे खिसक गया है और प्रदेश के बांध अब इससे सूख सकते हैं। खाड़ी देशों से सोने की तस्करी करने से जुड़े प्रकरण पर जानकारी आपको देते हैं। नवलगढ़ झुंझुनू निवासी नवीन कुमार रोलन की अपील खारिज हो गई है। दरअसल जज जगदीश कुंतल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। ऐसे में ट्रायल कोर्ट ने 3 साल की जेल और 1,00,000 का जुर्माना जो लगाया था वो बरकरार है। कस्टम ने 2 मई 2016 को 2 किलो सोने के साथ इसे गिरफ्तार किया था, लेकिन आरोपी की दलील बरामदगी प्रॉपर ऑफिसर से नहीं होने से कार्रवाई अवैध कस्टम से पहले और ऐसे में 56.40 यानी कि 56,40,000 और बाद में 2,18,00,000 रुपए की तस्करी की जानकारी सामने आई। अभिरक्षा में डरा धमका कर और दबाव बनाकर दर्ज किए थे उसके बयान, ऐसा उसका कहना, लेकिन विशिष्ट लोक अभियोजक बनवारी लाल ताखर ने इस अपील का विरोध किया और धारा 108 का जिक्र किया, जिसमें दिए गए बयान में 6 बार विदेश यात्राएं करने की जानकारी भी मीनवाइल इस केस के साझा की। तो वही जोधपुर में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नष्ट की है 300 किलो हेरोइन। 60 करोड़ की बरामद की गई हेरोइन को नष्ट कर दिया है।
बहुत बड़ी खेप 300 किलो हेरोइन और एसएमई ब्यूरो के निदेशक घनश्याम सोनी के निर्देशन में इसे नष्ट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोध पखवाड़े के तहत इस हेरोइन को नष्ट किया गया। पच्चीस जून को आपातकाल की बरसी है जिसे काला दिवस के तौर पर भाजपा मनाएगी। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। आंतरिक सुरक्षा कानून जिसे मीसा भी कहा जाता है वो लगाकर विरोधी जेल में भेजे गए थे। अब 25 जून को देशभर में काले दिवस के तौर पर भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी के दिन को मनाने वाली है। पूरे देश में इस दौरान सम्मेलन किए जाएंगे। मीसा बंदी जो समय तत्कालीन समय जेल भेजे गए थे उस धारा के अंतर्गत, लेकिन उन्हें अब इस दौरान 25 तारीख को जब इसे काला दिवस के तौर पर मनाया जाएगा सम्मान उनका किया जाएगा। विभिन्न स्थानों पर वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री इसमें शिरकत करेंगे और इस दिन जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जाएगी।